तो आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सिर्फ मीटर ट्यूटोरियल का ही लगा रहे थे? तो गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे मीटर जो अभी लग रहे हैं ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ऐसे मीटर है, किसी भी एक मीटर को टोरेंट का जो लगाया हुआ है ले लीजिए, उसके बाजू में आप पैरेलल अपना मीटर लगा दीजिए, कस्टमर अगर चाहे अपना मीटर लगा सकता है, वसूली कर सकते हैं, ऐसा महावितरण ने दिया है क्या? तो वसूल करना हमारी जिम्मेदारी बन जाए, जबरदस्ती पैसे भरवाना ये क्या ठीक है? संजय नगर में जिस तरह की बात सामने आई, लोग वहाँ ज्यादातर इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि उनसे झूठ बोलकर जो है मीटर लगाएगा। तो लोगों में जो गलत डर है या गलत फहमी है इसको निकालना जरूरी है। अगर ये केस वाकई में झूठ है, जिस कर्मचारी ने जहाँ जाकर गुनाह दाखिल कराया, क्या उसके ऊपर टोरेंट पावर कुछ कार्रवाई करेगी? कार्रवाई हुई थी और वो भले ही लोग कहते हैं कि नहीं हुआ है, उसके बगैर वो एनसी होता नहीं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रभात टाइम। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में जिस तरह से टोरेंट पावर का विरोध कर रहे हैं लोग, खास तौर पे बात की जाए अगर तो मुंब्रा के संजय नगर में इसका विरोध हो रहा है, और वो भी मीटर लगाने को लेकर विरोध हो रहा है, और जिस तरह से बिल भेजने की जो बात आ रही है उसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है। हालांकि कल जो है मामला कुछ अलग भी सामने आया था, कुछ शिकायतें दर्ज होने के बाद दो लोगों पर सामने आई थी, लेकिन आज इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए जिस तरह से मुंब्रा शहर के लोगों की जो शिकायतें हैं वो तमाम शिकायतों को लेकर हम टोरेंट पावर लिमिटेड के जो पीआरओ हैं चेतन विधियानी, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर मुंब्रा शहर में जिस तरह से टोरेंट पावर का विरोध हो रहा है उनके तरफ से इस पर क्या कुछ टिप्पणी है, क्या कुछ उनका कहना है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो MERC के तहत जो भी मीटर कंज्यूमर अपना लाकर लगा सकते हैं, तो आप लोग जो है खास तौर पर देखा जा रहा है कि जोर दे रहे नहीं टोरेंट का ही मीटर लगाओ, तो ऐसा जोर क्यों दिया जा रहा है कि आपका मीटर फास्ट चलता है? कुछ नेता भी यहाँ के बोल चुके हैं कि टोरेंट का मीटर 30% से ज्यादा भी फास्ट चलता है, तो आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सिर्फ मीटर टोरेंट का ही लगना चाहिए? हालांकि इस पर जो है आप लोगों की मीटिंग भी हुई थी मंत्री जी के साथ, उसके बाद डिसीजन लिया गया कि अलग अलग क्वालिटी के मीटर दिए जाएंगे, लेकिन जनता इस पे जो है भरोसा नहीं कर रही, कंफ्यूज हो रही है। देखिए कैसा है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये समझना जरूरी है कि टोरेंट पावर जो है ये MSEDCL की शिलकलवा मुंब्रा में फ्रेंचाइजी है, ठीक है? तो जब हम MSEDCL के फ्रेंचाइजी है तो MERC के रेगुलेशंस के हिसाब से, MSEDCL के गाइडलाइंस के हिसाब से ही एरिया में हर एक्टिविटी और काम को करते हैं, इसके लिए हम बाधित है। आप मीटर की जो बात कर रहे हैं, कैसा है कि MERC के प्रोविजंस और रेगुलेशंस के हिसाब से, CEA गाइडलाइंस के हिसाब से टोरेंट अपना मीटर जो है वो लगाती है। ये मीटर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मीटर जो है ये MSEDCL के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से लिए गए मीटर है, MSEDCL के गाइडलाइंस के हिसाब से लिए गए मीटर है और सब जगह पे लगाए जाते हैं। अभी ये मीटर रिप्लेसमेंट या अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस है ये MSEDCL, MERC गाइडलाइंस और CEA गाइडलाइंस के बतौर कैसा है कि आपके अगर मीटर, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आप वैसे देखे जाए तो एक लाइफ साइकिल होती है, उसको रेगुलर इंटरवल में अपग्रेड करके कस्टमर को मोस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी देना, ये उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि यूटिलिटी जो होती है मतलब पावर सप्लाई कंपनी जो होती है उसको कस्टमर के यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे अपग्रेडेड मीटर्स जिसमें अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड स्पेसिफिकेशंस हो गाइडलाइंस के हिसाब से, सर्कुलर्स के हिसाब से वो लगाना होता है। दूसरा, आज कुछ महीनों में जो हमने देखा है, हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही है लोगों की कि बिल का क्वेरी है या बिल का उनका कोई कंप्लेंट है, तो वो जानना चाहते हैं कि कौन से दिन पे क्या डिटेल्स या उन्होंने कितना वापर किया हुआ है, उनको डिटेल्स दे पाने के लिए ये अभी जो मीटर लगे हुए हैं ये बेसिक मीटर्स है, इसमें से काफी जो मीटर है वो पहले के पुराने मीटर है, इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन पुराने हैं, तो इसमें वो फैसिलिटी ही नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है कि मैं आपको डिटेल्स दे सकूं। जबकि MSEDCL के मीटर्स इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स होने के बावजूद रीडिंग लेके मैं रीडिंग का आपको डिटेल्स दे सकता हूं कि पिछले तारीख को ये रीडिंग थी, अभी ये रीडिंग है और उसका बिल बनता है रीडिंग के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से, लेकिन उसमें बाकी कोई डिटेल्स कैप्चर करने का कैपेसिटी नहीं है या ऑप्शन नहीं है। तो गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे मीटर्स जो अभी लग रहे हैं ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ऐसे मीटर है जिसमें पिछले 2 महीने के सारे डिटेल्स कस्टमर के लिए अवेलेबल होंगे। कोई अगर मेरे पास कोई क्वेरी लेके आता है बिल संबंधित, तो मैं उसको बकायदा डिटेल्स देख के बता सकता हूँ कि भाई आपका ये दिन पे ये घंटे पे इतना चला है, उसमें पिछले 2 महीने का हर घंटे का डिटेल्स कैप्चर किया जाता है।
दूसरा मैं वापस ये रिपीट करना चाहूंगा कि ये मीटर्स जो है ये MSEDCL के गाइडलाइंस, MSEDCL के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये जो मीटर है, लोग जो कहते हैं कि भाई ये मीटर फास्ट है, ये अफवाह है या ये लोगों में गैर समझ है। आप किसी भी एक मीटर को टोरेंट का जो लगाया हुआ है ले लीजिए, उसके बाजू में आप पैरेलल अपना मीटर लगा दीजिए, ठीक है, उन दोनों के बीच में अगर एक भी यूनिट का आपको फर्क मिले तो आप हमको बताइए। ये एक्टिविटी पहले भिवंडी में कर चुके हैं हम, आप जानते होंगे कि भिवंडी में भी टोरेंट पावर एज अ फ्रेंचाइजी काम कर रही है पिछले 13 सालों से। ऐसे एक्टिविटी 2-3 बार भिवंडी में भी हम उन यहाँ के लोक प्रतिनिधि के कहने पे कर चुके हैं कि मीटर जो है उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे, उसके साथ में पैरेलल में मीटर लगाए गए थे और दोनों मीटर की पूरा महीना रीडिंग ली गई थी और एक यूनिट का भी उसमें फर्क नहीं मिला है, एक भी मीटर। तो यहाँ पे भी मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो हमारा लगाया हुआ कोई भी मीटर, उसके बाजू में आप पैरेलली दूसरा मीटर अपना लगा दीजिए और उसका रीडिंग दोनों मिलकर करेंगे, आप भी करिए मैं भी करूँ, उसमें आपको एक भी यूनिट का अगर फर्क दिखे तो बताइए। अच्छा, ये जिस तरह से जो जनता मांग कर रही है कि हमें अपना मीटर लगा दिया जाए, तो क्या वो लगा सकते हैं अपना मीटर और कहाँ चेक होगा वो, क्या आप लोग उसे चेक करके देंगे? बिल्कुल, मैं आपको पूरा डिटेल समझा देता हूँ। देखिए कैसा है कि MERC सप्लाई कोड के प्रोविजंस में ही ये दिया हुआ है कि कस्टमर अगर चाहे अपना मीटर लगा सकता है, वो बिल्कुल अपना मीटर लगा सकता है। कोई भाई अगर अपना मीटर लगाना चाहे उसको सिर्फ टोरेंट पावर ऑफिस में एप्लीकेशन देना है, टोरेंट पावर से उसको स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे, उसको अपना मीटर लाना है, अपना मीटर लाके टोरेंट पावर को जब इन्फॉर्म करेंगे तो टोरेंट पावर उनका मीटर उनके मौजूदगी में टेस्टिंग करेंगे, वो मीटर टेस्टिंग हो जाने के बाद ओके है तो उनकी हाजिरी में ही उनकी जगह पे लगाया, ठीक है, तो उनको एप्लीकेशन करना है, उसके बाद अपना एप्लीकेशन देने के बाद, हाँ, हमारे कस्टमर केयर में उनको एप्लीकेशन करना है कि वो अपना मीटर लगाना चाहते हैं और बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, जनता की ये भी एक समस्या है कि उनका कहना है कि जो महावितरण के समय का जो बकाया बिल है वो बिल टोरेंट पावर क्यों वसूली कर रही, जब से टोरेंट पावर आई है तभी से वो अपना बिल की वसूली करे, महावितरण का बकाया बिल लोग भरने को भी राजी नहीं है, और आपने भी न्यूज में देखे होंगे कई बार जनता कह चुकी हम नहीं भरेंगे, तो ये क्या पूरा मामला है, क्या आप वसूली कर सकते हैं, ऐसा महावितरण ने दिया है क्या लिखकर? देखिए इस्लामुद्दीन जी, मैं वापस वही चीज एक बार आपके लिए बताना चाहूंगा कि टोरेंट पावर जो है ये MSEDCL की फ्रेंचाइजी है, MSEDCL की फ्रेंचाइजी होने का ये है कि MSEDCL के साथ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट के बतौर हमारा एक अग्रीमेंट हुआ है जहां पे हम उनके बतौर यहां पे काम करेंगे, गाइडलाइंस उनके रहेंगे, स्पेसिफिकेशंस उनके रहेंगे, सर्कुलर्स उनके रहेंगे, MERC के गाइडलाइंस, MERC के टैरिफ, जो MSEDCL का ही पूरा स्ट्रक्चर है, हम उनके बतौर सिर्फ यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम MSEDCL से अलग है ऐसा कहना ये गलत हो जाएगा। दूसरा कैसा है कि हम MSEDCL का ही फ्रेंचाइजी होने की वजह से MSEDCL का अगर कुछ बकाया कहीं पे है तो वसूल करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ कि कहीं कहीं कुछ कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे MSEDCL के टाइम का लोगों का डिस्प्यूट है, तो हमारी लोगों से वही दरखास्त है कि ऐसे आपके पास अगर केसेस है तो आप लेके आइए, वो जो डिस्प्यूट है उसको MSEDCL तक डिस्कशन करके उसका अगर कुछ रिविजन की गुंजाइश है तो वो रिविजन भी टोरेंट पावर के थ्रू आपको करके दिया जाएगा। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि और एक महीने दो महीने का बिल जो है लाखों रुपए आ रहा है और लोग जब यहाँ भरने ऑफिस पे आ रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि आप बिल भर दीजिए, बाद में आपको कम होकर आ जाएगा, तो ऐसा क्यों नहीं है कि उसे दुरुस्त कर लिया जाए उसके बाद ही उसका भुगतान लिया जाए, जबरदस्ती पैसे भरवाना ये क्या ठीक है? नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक कैसा है कि ये एक साथ बिल जो आप बोल रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। कैसा है कि टोरेंट पावर ने जब टेक ओवर किया मार्च में, उसके बाद तुरंत लॉकडाउन लग गया, तो वो 2-3 महीने ऐसे थे जब लॉकडाउन की वजह से रीडिंग नहीं कर पाते थे, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब रीडिंग लिया, कस्टमर के मीटर पे जो यूनिट मिले हैं उसके हिसाब से उसका बिल बना, ठीक है, तो इसमें वो 2-3 महीने में कस्टमर का जो वापर हुआ है वो रीडिंग में मिला है और वो रीडिंग के हिसाब से उसका बिल बनाया गया है। हाँ, ये 2-3 महीने में गाइडलाइंस के हिसाब से, MERC के रेगुलेशंस के हिसाब से जो एवरेज का बिल बना था उसका रिवर्सल रीडिंग मिलने के बाद उनके बिल में दिया गया। कुछ कुछ केसेस में लेकिन कैसा है कि टोरेंट पावर के टेक ओवर करने के पहले भी एवरेज बिलिंग काफी महीनों से चल रहा था, उसमें कहीं वजह से ऐसा देखा गया कि कहीं पे रीडिंग नहीं हो पा रही थी उस वजह से अगर एवरेज चल रहा था, या कहीं पे मीटर का कोई मसला था उस वजह से चल रहा था, लेकिन वो रीडिंग बेस्ड बिल जब कस्टमर का बना है तो रीडिंग जो मिली है उसके हिसाब से अगर ज्यादा बिल आया है और उसमें कोई दुरुस्ती की गुंजाइश है तो वो दुरुस्त भी हम करके दे रहे हैं। आपके बतौर में ये बताना चाहूंगा कि अभी तक
लगभग 1600 केसेस एमएससीडीसीएल के साथ डिस्कशन में हमने रिविजन करके दिया, जिसमें पहले से कुछ ना कुछ उनका एमएससीडीसीएल के साथ कंप्लेन था, डिस्प्यूट था या डिस्कशन था और वो नहीं हुआ था, वो पेंडिंग में था। ऐसे भी केसेस वहां की बकाया जो बाकी थी वो हमारे पास बिल ज्यादा लगने की वजह से जब कस्टमर आए थे तो वैसे केसेस एमएससीडीसीएल को भेजे गए और लगभग 1600 प्लस केसेस रिविजन होके ऑलरेडी आए हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जो आप जब मीटर लगाने जाते हैं तो आप पहले नोटिस देकर फिर मीटर लगा सकते थे, लेकिन संजय नगर में जिस तरह की बात सामने आई, लोग वहां ज्यादातर इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि उनसे झूठ बोलकर जो है मीटर लगाया गया, बोला गया कि हम सिर्फ डब्बा लगा रहे हैं, आपका पुराना मीटर रहेगा, लेकिन वहां मीटर बदली कर दिया गया, इस वजह से वो लोग काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्यों आखिर झूठ बोला गया, ये सच बोलकर लगा सकते थे आप? झूठ नहीं बोला गया है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको अलग तरीके से बताना चाहूंगा। देखिए कैसा है कि फ्रेंचाइजी एरिया जो है ये कलवा शिल मुमरा पूरा फ्रेंचाइजी एरिया है, इसमें पूरे नेटवर्क का अपग्रेडेशन चल रहा है, सिर्फ मीटर बदली किए जा रहे हैं ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि जहां जरूरी है केबल भी बदली की जा रही है, जहां जरूरी है ट्रांसफार्मर भी बदली किए जा रहे हैं, जहां जरूरी है एमएसपी बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी नए लगाए जा रहे हैं, साथ ही में जहां जहां जरूरी है मीटर भी नए लगाए जा रहे हैं, रिप्लेस किए जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि वो सीईए गाइडलाइंस के हिसाब से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मीटर्स जहां पे भी जरूरी है वो लोगों की सहूलत के लिए लगाए जा रहे हैं। और ये लोगों में जो एक तरीके की मैं बोलूंगा कि गलत फहमी है कि टॉरेंट के मीटर जो है ये गलत है या फास्ट है, ये गलत फहमी है। जैसे मैंने बताया किसी भी मीटर जो लगाया गया है उसके साथ में आप अपना पैरेलल मीटर एक लगा के, शहर के नेता भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं फास्ट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कभी भी कोई भी मीटर, जो मैं वापस बोल रहा हूँ, जैसे कहीं पे भी अगर लगाया हुआ मीटर है आप उसके बाजू में अपना मीटर लगाइए पैरेलल, उसको आप भी स्टडी करिए, मैं भी स्टडी करता हूँ, अगले महीने अच्छी तो वापस मिलते कि एक भी यूनिट का उसमें आपको फर्क मिलता। तो ये लोगों में जो गलत डर है या गलत फहमी है इसको निकालना जरूरी है। मीटर्स जो है ये एमएससीडीसीएल गाइडलाइंस के हिसाब से, एमएससीडीसीएल के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से लिए गए स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मीटर्स हैं, और इसको लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि सारे डिटेल्स कस्टमर के हमको मिल सके, और कहीं पे किसी की क्वेरी हो, कहीं पे किसी का कंप्लेंट हो तो हम उसको अगर डिटेल्स अवेलेबल है तो ही सॉल्व कर पाएंगे, वरना कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, ये जैसे 0 से 100 यूनिट तक 3.74 रुपया है, तो फिर ये आगे जैसे ही बढ़ता है यूनिट, इसका अलग अलग चार्जेस क्यों होते हैं? देखिए कैसा है कि 0 से 100 यूनिट, फिर 100 से 300 यूनिट, ये टैरिफ के स्लैब जो है ये एमईआरसी द्वारा अप्रूव किए गए हुए टैरिफ के स्लैब है, और ये सिर्फ टॉरेंट ने कलवा मुमरा शिल में लगाए हुए चार्ज अलग है ऐसा नहीं है। हम एमएससीडीसीएल की फ्रेंचाइजी है और यही एमएससीडीसीएल के रेट पूरे महाराष्ट्र में सारे कस्टमर्स को लागू है। ये टैरिफ होता है जो हर साल अप्रैल में लागू होता है, इसका अप्रूवल एमईआरसी द्वारा किया जाता है एमएससीडीसीएल के कस्टमर्स के लिए। तो अभी जो टैरिफ एमईआरसी का एमएससीडीसीएल के लिए अप्रूव है उसमें वो उस तरीके के स्लैब्स हैं, और वो हर स्लैब पे जो डिफाइंड रेट्स है उस हिसाब से बिलिंग होता है। मैं वापस यहाँ एक चीज बता दूं कि कैसा है कि भले ही रीडिंग आज की डेट में टॉरेंट कर रही है, इसका बिलिंग जो है वो एमएससीडीसीएल के सिस्टम में ही होता है, एमएससीडीसीएल द्वारा ही अपने फ्रेंचाइजी एरिया का बिलिंग होता है। तो आप चाहे थाना में देखिए, चाहे कल्याण में देखिए, चाहे शिल कलवा मुमरा में देखिए, ये रेट्स सेम है। जो 0 से 100, 100 से 300 के अलग रेट्स लागू है, ये पूरे महाराष्ट्र में एमएससीडीसीएल के कस्टमर को यही रेट्स लागू। टॉरेंट इसमें कोई अथॉरिटी नहीं रखता एक भी पैसा इधर या उधर टैरिफ का करने की। अच्छा, जैसे संजय नगर में जो सोमवार को आपके कर्मचारी वहां पर गए थे और उसके बाद फिर मंगलवार को एनसी दर्ज हुई, टोरेंट कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है, तो वहां के जो लोग रहने वाले बोले ऐसा घटना नहीं हुआ था, मारपीट नहीं हुई थी और झूठा केस दर्ज किया गया है। तो अगर ये केस वाकई में झूठ है तो जिस कर्मचारी ने जहां जाकर गुनाह दाखिल कराया है, क्या उसके ऊपर टोरेंट पावर कुछ कार्रवाई करेगी कि इस तरह का क्यों ऐसा हुआ? देखिए मैं इसमें ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए हमारे लोग काम के लिए जहां कहीं जाते हैं, अगर किसी को कोई डिस्कशन है तो उसके साथ डिस्कशन करके कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल देना हमारा काम है, लेकिन हमारे लोगों के साथ कोई अगर मैन हैंडलिंग करता है या उसके साथ कोई बदतमीजी करता है या कोई गाली गलौज करता है या कोई उनके साथ हाथापाई करता है तो वो गलत है। इस केस में भी एनसी इसी वजह से हुई थी कि वहां पे हाथापाई हुई थी, और वो भले ही लोग कहते हैं कि नहीं हुआ है, उसके बगैर वो एनसी होता नहीं। तो वो भले वहां पे जो हुआ था आपको लोगों ने क्या बताया पता नहीं, लेकिन हमारे
अगर किसी भी एम्प्लॉय के साथ अगर कोई वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ एरिया में सीसीटीवी लगी हुई है, मारपीट नहीं हुआ। ये है कि जबानी जंग हो रही थी लेकिन मारपीट नहीं हुआ है। तो सीसीटीवी का फुटेज आप भी देख सकते हैं, मैं भी देखना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जानकारी के हिसाब से वहां पे वो हादसा हुआ था, इसलिए उसका एनसी करना जरूरी था। देखिए, मैं वापस यही दोहराना चाहूंगा कि हमारे लोग हर जगह पे काम करने जा रहे हैं क्योंकि आपको बेहतर पावर सप्लाई दे सके, आपको बेहतर सुविधा दे सके, आपके लिए बेटर सर्विसेज दे सके। तो बहुत जरूरी है कि हमारे लोग बेटर सर्विसेज के लिए, बेटर पावर सप्लाई के लिए, अच्छी सुविधा के लिए अगर आपके साथ कहीं काम कर रहे हैं, आपको अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे सेंटर पे आके उसकी कंप्लेंट दर्ज कराइए, ना कि जो हमारे लोग साइट पे काम कर रहे हैं उसके साथ बदसलूकी करिए। कैसा है कि कोई एम्प्लॉय अगर अपना काम कर रहा है तो वो वहां पे उसको कॉपरेट करना जरूरी हो जाता है। हाँ, अगर आपको वहां पे कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बिल्कुल ऑफिस में आके बात कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जो साइट पे काम कर रहा है उसके साथ बदसलूकी करना ठीक नहीं है। वो मसला अगर हाथापाई, अगर मारपीट होती तो उसमें एफआईआर हो जाती, वहां पे सिर्फ एनसी हुआ है क्योंकि वहां लोगों के साथ बदसलूकी हुई थी। दूसरा एक मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए कैसा है कि एक बहुत कॉमन फीडबैक आता है कि हमारे दावत के सेंटर पे काफी लोग होने की वजह से कभी कभी भीड़ होती है, या लोग ऐसा कहते हैं कि वहां पे लोग ज्यादा होते हैं। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी सुविधाएं आज कस्टमर्स के लिए, उनके सर्विस के लिए हमने ऑलरेडी दी हुई है। एक दावत पे सेंटर है, दावत का जो सेंटर है, उसके अलावा एक मैक प्रीमाइसेस जो है वहां पे एक सेंटर खोला हुआ है, मैक का ऑफिस है। एक कलवा में ऑफिस है, एक अरिहंत शिल रोड पे ऑफिस है, कस्टमर कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा आज की डेट में ये बहुत जरूरी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, इसलिए मैं तो लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि ऑफिस भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारी वेबसाइट है connect.torrentpower.com, जिसमें कस्टमर कोई भी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। अगर कोई पहले के डॉक्यूमेंट्स है, MSDCL के टाइम के डॉक्यूमेंट्स है, आप देना चाहते हैं तो वो स्कैन करके हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं और वहां पे भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा जिसके थ्रू कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है, कनेक्ट टॉरेंट, ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके उसके थ्रू भी कंप्लेंट्स डाल सकते हैं। तो आज की ये जो जनरेशन है, यहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी को बहुत मानने लगे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जहां पे भी जरूरी है, आप अगर वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या हमारे वेबसाइट के थ्रू भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने सुना कि जो टोरेंट पावर के PRO है चेतन बिजारी, उन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। और जिस तरह से मीटर को लेकर लोगों में असमंजस बनी हुई है, लाइट बिल को लेकर असमंजस बनी हुई है, उनसे जनता के जो सवाल थे हमने उनसे सवाल पूछे और उन्होंने जवाब दिया। अपनी शिकायतें और अपना बिल पे जो है ऑनलाइन के जरिए भी कर सकते हैं। कैमरामैन सफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।